हेलो दोस्तों, डाउटनेट पर आपका स्वागत है। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ अपने बायोलॉजी के भी डाउट को क्लियर कर पाओगे, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाउटनेट नामक ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको इस डाउट वाले ऑप्शन पर, डाउट वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी आपको फोटो खींचना है। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो इसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्रॉप कर देना है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए, ओनली क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है ऐसे। इसके बाद इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो सोल्यूशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक एंड टिप्स फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा इन 5 क्वेश्चनों का। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको ओनली 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 मार्क आपकी मुट्ठी में होंगे, फिक्स होंगे। एमपी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 13 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। मैं वीडियो को बिना बोर किए आपको वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, बट उससे पहले मैं एक बात आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा। और अगर आप आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी या जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यही क्वेश्चंस आएंगे 2020 में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के साथ नहीं डाला कि कब कब पूछे गए हैं, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पर बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस एग्जाम पर भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 8 सालों से बार बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा इसका सोल्यूशन आपको ट्रिक एंड टिप्स फुल कैसे मिलेगा, जो कि आपको कभी जीवन में ना भूले। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बायो सेवर्ड के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला अपना जो अगला क्वेश्चन है वह है पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया भी लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा बायो सेवर्ड का नियम, तो आप यूट्यूब पर जाएँ और सर्च करें बायो सेवर्ड का नियम, बाय सक्सेस नॉलेज। ये वर्ड जो लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप नोट कर लें, बाय सक्सेस नॉलेज, और क्वेश्चन के बाद में लगा दें, वहाँ पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। और व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ मैं इस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी ट्रिक एंड टिप्स दूंगा जो कि आपको जीवन भर नहीं भूलेंगी। एग्जाम की बात तो दूर रही, तो एक बार चेक जरूर करें। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन था आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और आपको नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और बाय सक्सेस नॉलेज, ये वर्ड बाद में जरूर लगा देंगे, ठीक है? तो इस वर्ड को जरूर लगाएं। इसके बाद है पीएन सन डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में सचित्र वर्णन करना है आपको। हाफ वेव रेक्टिफायर आप जानते ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कीजिए आपको नहीं आ रहा पी एन सन डायोड, तो आप सर्च करेंगे पी एन सन डायोड बाय सक्सेस नॉलेज। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लेना, तो मेरे चैनल पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर